Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest updates, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रेलेवेंट होती है, यानी कि तीसरे व्यक्ति की राय कब सुसंगत होती है. इस चीज से संबंधित प्रोविजन आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 45 से लेकर 51 तक दिए गए हैं. सबसे पहले हम आपको इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देंगे इस टॉपिक के बारे में, फिर हम सेक्शन नंबर 45 बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये थर्ड पर्सन की ओपिनियन का पहला पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट में हम 45A से लेकर 51 तक के जो प्रोविजन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे. दोस्तों, जनरल रूल तो यही है कि जो थर्ड पर्सन होता है उसकी ओपिनियन एडमिसेबल नहीं होती है. जो डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करने का, उसके ऊपर राय बनाने का जो अधिकार है वो कोर्ट का होता है. और जो विटनेस होते हैं उन्हें सिर्फ वही बताना होता है, वही तथ्य उन्होंने स्टेट करना होता है जिसके बारे में वो जानते हैं. लेकिन सेक्शन 45 से लेकर 51 तक जो प्रोविजन दिए गए, जो प्रावधान दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि पर्टिकुलरली डील करते हैं तीसरे व्यक्ति की ओपिनियन से, ये इस जनरल रूल का, जो भी हमने डिस्कस किया, इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, इस सामान्य नियम का अपवाद है. फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल आता है कि क्या कोई चोट स्पेयर यानी कि भाले से कारित हुई है या नहीं, तो ए पर्सन जो कि इस घटना का विटनेस है वो ये कहता है कि उसने एक्यूज पर्सन को देखा था कि वो स्पेयर से इंजरी कॉज कर रहा था, भाले से चोट पहुंचा रहा था. तो यहाँ पर जो ए ने कहा ये उसका ओपिनियन नहीं है, बट वो डॉक्टर जिसने इंजरी कॉज होते हुए नहीं देखी, जिसने इंसिडेंट नहीं देखा, वो डॉक्टर अगर इंजरी को जब देखता है उसके बाद ये कहता है कि ऐसा उसको लग रहा है कि ये जो इंजरी है ये भाले से हुई है, ये भाले से की गई है, तो इस चीज को हम कहेंगे उस डॉक्टर का ओपिनियन. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ओपिनियन एक तरह का इन्फेरेंस होता है एट विच अ पर्सन अराइव्ड बाय थिंकिंग एंड रीजनिंग और बाय एक्सपीरियंस और किसी तरीके की उसको स्किल है, तो उस स्किल की वजह से अगर वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि ये उसका ओपिनियन है. अब यहाँ पर एक केस था मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1957 का. इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि अगर एक विटनेस को, एक साक्षी को उसकी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार दे दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि जो जुडिशियल वर्क है वो डेलीगेट कर दिया गया है, जो न्यायिक कार्य है उसका प्रत्ययोजन कर दिया गया है. तो इसी वजह से विटनेस को अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती है, बस उसको वही बताना होता है जिस चीज को वो जानता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 45 की, इसमें बताया गया है एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में, विशेषज्ञों की राय के बारे में, कि वो कब सुसंगत होती है, कब रेलेवेंट होती है. यहाँ पर कहा गया है कि जब कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ, साइंस या फिर आर्ट के किसी पॉइंट पर ओपिनियन फॉर्म करनी होती है, राय बनानी होती है, और या फिर किसी फिंगर इम्प्रेशन या फिर हैंडराइटिंग की आइडेंटिटी को लेकर, की पहचान को लेकर कोई ओपिनियन फॉर्म करनी होती है कोर्ट ने, तो तब उन पर्सन की ओपिनियन जो कि इन सब्जेक्ट्स में स्किल्ड हैं या फिर हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन की आइडेंटिटी पर ओपिनियन फॉर्म करने में स्किल्ड हैं, तो उन पर्सन की ओपिनियन सेक्शन नंबर 45 के तहत रेलेवेंट होगी और इन पर्सन को हम कहेंगे एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञ. अब अगर ये सवाल आए कि एक्सपर्ट विटनेस या फिर एक्सपर्ट पर्सन कौन होता है सेक्शन नंबर 45 के तहत, किसको एक्सपर्ट माना गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा कि वो व्यक्ति जिसको साइंस, आर्ट, ट्रेड या फिर किसी प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, और ऐसी स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस उसको एक्वायर हुआ है प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से या फिर स्टडीज से. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रसेल, जो एक्सपर्ट विटनेस होता है वो पैरिटस होना चाहिए, मतलब कि एक्सपर्ट होना चाहिए. एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ, वह विटनेस जो कि स्किल्ड है या जिसको एडिक्वेट नॉलेज है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी विशेष क्षेत्र का जिसको ज्ञान है, उस पर्सन को कहेंगे हम एक्सपर्ट पर्सन, विशेषज्ञ. लाइक जैसे कि मेडिकल ऑफिसर हो गए, केमिकल एनालिस्ट हो गए, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हो गए, बैलिस्टिक एक्सपर्ट हो गए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गए, ये सब एक्सपर्ट हैं
सेक्शन नंबर 45 के तहत इनको एक्सपर्ट माना गया है, विशेषज्ञ माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट इस बारे में कंफ्यूज है कि कोई पर्टिकुलर लेटर, कोई विशेष पत्र एक्स ने लिखा है या नहीं लिखा है, तो इस चीज की जांच करने के लिए कोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाता है। तो यहाँ पर जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है वो यहाँ पर आकर बताएगा कि जो पर्टिकुलर लेटर है वो एक्स ने लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस पर्सन को हम कहेंगे एक्सपर्ट, और इसका ओपिनियन जो देगा वो रेलेवेंट होगा। और साथ ही अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन एडमिट करनी है तो उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना होगा। पहली कंडीशन ये है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं होगा बिना एक्सपर्ट की ओपिनियन के, तभी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पर्सन ओपिनियन दे रहा है क्या वो एक्सपर्ट है या नहीं, वास्तव में वो एक्सपर्ट है या नहीं, ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज से रिलेटेड एक केस था, बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी, जो कि 1989 का केस था। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उनको ये चाहिए कि अगर वो एक्सपर्ट की ओपिनियन एडमिट कर रहे हैं तो इस चीज को करने से पहले उनको इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जिस पर्सन ने एज अ एक्सपर्ट वन की ओपिनियन दी है क्या वो वास्तव में एक्सपर्ट है या नहीं, क्या वो लॉ के तहत एक्सपर्ट है या नहीं। अगर ये पता चलता है कि जिस पर्सन ने ओपिनियन फॉर्म की है वो एक्सपर्ट नहीं है, तो तब उसकी ओपिनियन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर कोर्ट को ये चेक करना है कि कोई विटनेस एक्सपर्ट है या नहीं, इस चीज के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, उसको एग्जामिन कर सकती है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, इन सब की डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। अब ये सवाल आता है कि व्हाई द एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज रेलेवेंट, तो इसका आंसर बस यही है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइंस है, आर्ट, ट्रेड, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन एंड फॉरेन लॉ, मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें स्पेशल स्टडी होना जरूरी है, स्पेशल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोर्ट अपने आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से थर्ड पर्सन की ओपिनियन लेना जरूरी हो जाता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन, अदर पर्सन की ओपिनियन लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, जो कि इन सब्जेक्ट्स में स्किलफुल हो, जिसको इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, जिसने इन सब्जेक्ट्स में स्पेशल स्टडी किया, उस पर्सन की राय लेना जरूरी हो जाता है कोर्ट के लिए। तो इसीलिए जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि ओपिनियन रिक्वायर्ड है तो तब एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाती है। अब हम आपको बताएंगे सेक्शन 45 में जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन डिस्कस की गई हैं, उन सबको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन लॉ की अगर हम बात करें, विदेशी विधि की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 45 के साथ यहाँ पर आप सेक्शन 38 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का भी रेफरेंस लोगे। इसमें कहा गया है कि जो फॉरेन लॉ है उसको दो तरीकों से प्रूव किया जा सकता है। पहला, जैसे कि सेक्शन 45 में प्रोवाइडेड है, मतलब कि उस पर्सन का एविडेंस लेके जो कि स्पेशली स्किल्ड है फॉरेन लॉ में, जो कि फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, उसका ओपिनियन लेकर क्या किया जा सकता है, फॉरेन लॉ को प्रूफ किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट सेक्शन 38 से रिलेटेड है, यानी कि डायरेक्ट उन बुक्स का रेफरेंस ले लिया जो कि फॉरेन गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तहत प्रिंटेड हैं, पब्लिश की जाती हैं, उन बुक्स का रेफरेंस लेकर फॉरेन लॉ को प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइंस या फिर आर्ट। साइंस या फिर आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट की ये नीति है कि उसमें स्पेशल स्टडी और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाहता है तो उसको उस सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है, स्पेशल स्टडी एंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे कि साइंस और आर्ट में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है मेडिकल ओपिनियन। मेडिकल एविडेंस को एक कोरोबरेटिव नेचर का माना जाता है, यानी कि इसकी संपुष्टि करना अन्य साक्ष्यों के साथ अनिवार्य होता है। बिना कोरोबरेशन के मेडिकल एविडेंस के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। एक डॉक्टर को तभी एक्सपर्ट कहा जाएगा जब उसने मेडिसिन में, सर्जरी में स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया हो। और मेडिकल ऑफिसर, फिजिशियन और सर्जन की ओपिनियन एविडेंस में कुछ बातों को शो करने के लिए एडमिट की जाती है, जैसे कि किसी पर्सन की फिजिकल कंडीशन को शो करने के लिए, किसी पर्सन की एज को शो करने के लिए, किसी पर्सन की डेथ के कारण को शो करने के लिए, अगर बॉडी पर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई डिजीज अगर हो रखी है तो उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या नेचर है, इस चीज को शो करने के लिए, और कोई इंजरी किस मैनर में की गई है, किस इंस्ट्रूमेंट से की गई है इस चीज को शो करने के लिए, और किस समय कोई इंजरी, कोई घाव कॉज किया गया इस चीज को शो करने के लिए, क्या जो इंजरी की गई है, जो चोट पहुंचाई गई है, क्या वो घातक प्रकृति की है,
क्या वो फेटल है इन नेचर, और जो भी डिजीज हुई है उसकी क्या पिक्युलैरिटीज है, क्या सिस्टम्स है, क्या कॉजेज हैं, इस चीज को शो करने के लिए कि क्या उससे डेथ कॉज हो सकती है और किसी इंजरी के फ्यूचर में क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इन सब चीजों को शो करने के लिए किसी मेडिकल ऑफिसर, फिजिशियन या फिर सर्जन की ओपिनियन एविडेंस में एडमिट की जाती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1977 का केस है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि विक्टिम यानी कि पीड़ित और एक्यूज यानी कि अभियुक्त इन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट रेप केस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। अगर मेडिकल ऑफिसर विक्टिम की बॉडी पर जो इंजरीज हो रखी हैं और जो एक्यूज पर्सन की बॉडी पर नाखून की खरोंचों के निशान हैं, नेल्स स्क्रेचेस हैं, उनको एनालाइज करके मेडिकल ऑफिसर ये कहता है कि जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ था वो कंसेंट से नहीं हुआ था, तो मेडिकल ऑफिसर की इस ओपिनियन को कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर दो मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्होंने ओपिनियन दिया है और दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट है ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, और उन दोनों का जो ओपिनियन है वो आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट करता है यानी कि अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो तब उस मेडिकल ऑफिसर की ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि डायरेक्ट एविडेंस जो है केस के उनके साथ सपोर्ट में है। तो ये बात हेल्ड हुई थी आपकी इस केस में। अब अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि जो मेडिकल एविडेंस है और जो आई विटनेस ने ओरल एविडेंस दिया है ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे के कंफ्लिक्ट में, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इस कंडीशन में किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? तो इस कंडीशन में जो आई विटनेस का ओरल एविडेंस है इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर सेक्शन नंबर 60 का पूरा अनुसरण करना जरूरी है। सेक्शन नंबर 60 कहता है कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए यानी कि जिसने देखा, जिसने सुना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही आएगा कोर्ट में उस बात का एविडेंस देने के लिए। इसके बाद एक केस है मनीराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का केस है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस ने एविडेंस दिया है और जो मेडिकल एविडेंस है, अगर इन दोनों के बीच में असंगतता हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं ये दोनों, तो तब इस कंडीशन में प्रोसिक्यूशन के केस में बहुत बड़ा डिफेक्ट माना जाएगा। और जब तक कि प्रोसिक्यूशन रीजनेबली एक्सप्लेन नहीं कर देता है कि इनकंसिस्टेंसी क्यों हुई है, तब तक ऐसे एविडेंस को डिसक्रेडिट किया जाएगा और साथ ही एंटायर केस, पूरे केस को डिसक्रेडिट किया जाएगा। तो ये था मेडिकल ओपिनियन के बारे में। सेक्शन नंबर 45 में हैंडराइटिंग की बात भी की गई है। कहा गया है कि अगर कोई पर्सन स्किल्ड है हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने में तो उस पर्सन का ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा और रेलेवेंट होगा सेक्शन नंबर 45 के तहत। और इस तरह का जो ओपिनियन होता है ना हैंडराइटिंग का, वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है। जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो जो एडमिटेड हैंडराइटिंग है उसके साथ डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग को कंपेयर करके बताते हैं कि क्या वो किसी एक ही पर्सन की हैंडराइटिंग है या फिर दो अलग अलग लोगों की हैंडराइटिंग है। और एक केस था पी कार्तिकेया वर्सेस कमलम्मा। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है वो एक तरह का वीक काइंड ऑफ एविडेंस होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है तो उसकी संपुष्टि करना अन्य साक्ष्यों के साथ, उसका कॉरोबोरेशन करना बहुत अनिवार्य होता है। और साथ ही जब हैंडराइटिंग की जेन्युइननेस को लेकर सवाल आता है तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर हैंडराइटिंग जेन्युइन है या नहीं, कोर्ट को एक्सरसाइज करनी चाहिए बहुत ही सावधानी, बहुत ही केयर एंड कॉशन के साथ कोर्ट को एक्ट करना चाहिए। कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ये सर्टिफाई कर सकता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी हैंडराइटिंग को किसी पर्टिकुलर पर्सन की होने की, और ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है कि जो पर्टिकुलर हैंडराइटिंग है वो 100% किसी पर्टिकुलर पर्सन की है। और जैसे कि एक्सपर्ट का ओपिनियन हैंडराइटिंग के बारे में सेक्शन 45 के तहत रेलेवेंट होता है, बट ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है कि पर्टिकुलर हैंडराइटिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन की है। इसके अलावा सेक्शन 45 के अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसके तहत हैंडराइटिंग को प्रूव किया जा सकता है। हैंडराइटिंग को प्रूव करने के जो डिफरेंट मोड हैं उनमें से सबसे पहला है सेक्शन 47। इस सेक्शन के तहत कोई पर्सन जिसने डॉक्यूमेंट लिखा है वो, और कोई पर्सन जिसने किसी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट लिखते हुए देखा है, साइन करते हुए देखा है वो, और कोई पर्सन जो कि एक्विंटेड है किसी पर्सन की हैंडराइटिंग से, वो पर्सन सेक्शन 47 के तहत हैंडराइटिंग को प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 73 के तहत कोर्ट जो एडमिटेड हैंडराइटिंग है
और जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है उसको खुद ही कंपेयर करके ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि वो एक ही पर्सन की हैंडराइटिंग है या फिर अलग अलग पर्सन की हैंडराइटिंग है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 21 के तहत कोई पर्सन ये बात स्वीकार के कि डॉक्यूमेंट उसी ने लिखा है हैंडराइटिंग को प्रूव कर सकता है। और सेक्शन नंबर 45 के तहत हैंडराइटिंग को लेकर एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ली जा सकती है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब डिफरेंट तरीकों से हैंडराइटिंग को प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट ओपिनियन ऑफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट, ये भी सेक्शन नंबर 45 के तहत रेलेवेंट है। और यहाँ पर बैलिस्टिक एक्सपर्ट का मतलब होता है फायर आर्म एक्सपर्ट, जिन्होंने प्रोजेक्टाइल्स, फायर आर्म्स, वेपन्स वगैरह में स्टडी किया होता है। और इनका ओपिनियन तब लिया जाता है जब किसी केस में कोई गन वगैरह का इस्तेमाल हुआ होता है। ये ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेपन से कोई पर्टिकुलर बुलेट डिस्चार्ज हुआ है या नहीं। और इनका इस बात को लेकर भी ओपिनियन लिया जाता है कि कितने डिस्टेंस से कोई फायर शॉट किया गया था और जो वेपन है पर्टिकुलर वो लास्ट टाइम कब यूज किया गया था। नेक्स्ट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, सेक्शन 45 के तहत फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की ओपिनियन भी रेलेवेंट होती है। और फिंगर इंप्रेशन के बारे में जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो यूनिक आइडेंटिटी मानी जाती है। और जब से कोई पर्सन पैदा हुआ है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक फिंगरप्रिंट ऐसी चीज है जो कि हमेशा सेम रहते हैं, कभी बदलते नहीं। और दो लोगों की फिंगरप्रिंट कभी एक जैसी नहीं हो सकती है, इसी वजह से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। नेक्स्ट एविडेंस ऑफ ट्रैकिंग डॉग, ट्रैकिंग डॉग को स्निफर डॉग्स भी कहते हैं। और इनका जो एविडेंस होता है उसको साइंटिफिक एविडेंस माना जाता है। यहाँ पर जो ट्रेन डॉग्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए। और जो बिहेवियर रहता है ट्रैकिंग डॉग्स का, उसके बिहेवियर के बारे में जो ट्रेनर्स होते हैं ट्रैकिंग डॉग के, वो एविडेंस देते हैं। और ये एविडेंस सेक्शन नंबर 45 के तहत रेलेवेंट होता है। अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970 का केस है और ट्रैकिंग डॉग से रिलेटेड है। इस केस में बात हैंड हुई थी कि जो ट्रैकिंग डॉग का एविडेंस होता है वो एडमिसेबल होता है, बट ये बहुत ही कम वेट वाला होता है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। इन सब एक्सपर्ट्स के अलावा सेक्शन नंबर 290 ऑफ सीआरपीसी में गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की एक लिस्ट दी गई है जिनमें ये लोग शामिल हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन है ये। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सब में से कोई भी अगर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट कोई रिपोर्ट देता है तो वो एविडेंस में एडमिसेबल होती है इंक्वायरी में, ट्रायल में, अदर प्रोसीडिंग में। और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, और जब तक कोर्ट एक्सप्रेसली डायरेक्ट नहीं कर देता है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट को पर्सनली कोर्ट में आने के लिए, तब तक उनको छूट मिली हुई है कि वो विटनेस की तरह एग्जामिन होने के लिए पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं जब तक कि कोर्ट एक्सप्रेसली डायरेक्ट नहीं कर देता। इन सब के अलावा भी जैसे कि केमिकल एनालिस्ट हो गए, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हो गए, मैकेनिकल एक्सपर्ट हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, पेटेंट एक्सपर्ट हो गए, हेयर एक्सपर्ट हो गए, इन सब का ओपिनियन भी एविडेंस में एडमिसेबल होता है। अब अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट एविडेंस होते हैं ना वो ओपिनियन एविडेंस माने जाते हैं, एडवाइजरी नेचर के होते हैं, तो उसको पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जा सकता है। उनका कोरोबरेशन डायरेक्ट एविडेंस के साथ या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ करना जरूरी है। उनकी प्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ या फिर परिस्थितिजनक साक्ष्यों के साथ संपुष्टि करना अनिवार्य है। बिना अन्य साक्ष्यों के संपुष्टि किए इनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता है। ये बात हेल्ड हुई थी एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 के केस में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है और कोर्ट इसको कंक्लूसिव कंसीडर नहीं करती है। बिना कोरोबरेशन के इनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता है। और अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के, तो तब वो एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं रह जाता है बल्कि वो कोर्ट का ओपिनियन बन जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन नंबर 45 जो कि थर्ड पर्सन की ओपिनियन से डील करता था, जिसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात की गई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इस वीडियो के पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 45A से लेकर 51 तक के सारे प्रोविजन डिटेल में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को इतना लाइक करे और इतना शेयर करे कि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट टू में।